आपकी कातिल अदाएं देखकर फरिश्तों का भी दिल मदहोश होता है, आपके आने से धरती पर भी जन्नत का एहसास होता है। आप ये माने या ना माने, माधुरी जी सच बात करता हूं, हुस्न शुरू आपसे होता है और खत्म भी आप ही पे होता है। क्या बात है, फटाक, क्या बात है। ये इनको नींद नहीं आती है जब तक ये खूबसूरती की तारीफ ना कर ले। घर पे जाके फिर जो मर्जी झेलें वो इनकी अपनी प्रॉब्लम है, लेकिन बड़े दिलेर हैं आप, पाजी सलूट है आपको। 70,000 वोट पड़ जाए ना किसी आजाद उम्मीदवार को, वो एमएलए बन जाता है। आप तीन बार मेरे ख्याल से कम 3 सीटें जीत सकते हैं अगर आप लोग इतना प्यार करते हैं आपको। तू एमएलए की बात करता है, मैं कह रहा हूँ माधुरी दीक्षित फॉर प्रेसिडेंट बन गई, ठोको। दो सौ से भी ऊपर कंट्रीज से ये सब लोग जुड़े हुए हैं, पूरे विश्व में से एक्चुअली। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये आइडिया कैसे आया मैम आपको? वेल, चूंकि मुझे डांस इतना पसंद है और मुझे ये भी पता है कि डांस से बहुत अच्छे इफेक्ट्स हैं। जी। एक तो अपनी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है, आप फिट रहते हैं, हम देख रहे हैं, मेंटली भी आप। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि लोगों ने मुझे इतना पसंद किया, मेरा डांस पसंद किया और मुझे इतना पसंद है, तो क्यों ना इसे हर घर में लिया जाए। जी, बिल्कुल सही। और कैसे लेके जाएं इसे ये पता नहीं था, लेकिन मैंने हस्बैंड से कहा मेरे कि मैं चाहती हूँ कि हर कोई इसका एक मजा उठा सके और उसके जो एडवांटेजेस हैं वो ले सके, तो ये हो सकता है क्या? तो एकदम मन मन मुस्काए, बोले हो सकता है। और उसके बाद वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। तो मतलब और ये ऑनलाइन डांस आइडिया? यस यस, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में बहुत, मतलब ही इज वेरी वेरी गुड एट दैट, और अच्छे डॉक्टर हैं ही, लेकिन वो पार्ट भी उनका बहुत अच्छा डेवलप है। बिल्कुल, अमेरिका जैसे इतना वो टेक्नोलॉजी में बिजी है कि उन्होंने माधुरी मैम को देखा ही नहीं था शादी से पहले एक्चुअली। तो उन्होंने खुद भी कोई एकेडमी खोली ऑनलाइन इंजेक्शन लगाने की कि नहीं? अब खोलने का विचार है। एक फायदा मुझे ना आपकी एकेडमी का ये लगता है, हाँ, कि बहुत सारे लोग जो हैं जिनको ये नहीं पता होता कि ऑनलाइन में माधुरी मैम सिर्फ आपको डांस सिखा के चली जाएंगी। कई लोगों को पता क्या लगता है कि हम अपने बच्चों की एडमिशन करवा देते हैं, कि हमारा चाहे इंटरेस्ट नहीं भी है डांस में, बच्चों करा देते हैं, साल में एक बार पेरेंट्स मीटिंग होगी तो माधुरी जी से मिलने का मौका मिलेगा। ये सच्चाई है पाजी, मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है जिस स्कूल में माधुरी मैम के बच्चे पढ़ते हैं वहां पे सिर्फ 200 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा। और वहां पे पेरेंट्स मीटिंग हुई, माएं सिर्फ 70-80 आई, बाप 450 पहुंच गए, 250 लोग वैसे ही पहुंच गए कि हमारे बच्चे पढ़ते हैं, इनको देखने के चक्कर में। बाद में पता चले खुद नहीं आई, सबको यही मिला। मैम एक बात बताइए, अपनी एकेडमी में तो आप डांस सिखा रही हैं, लेकिन जब आप खुद फिल्मों में डांस करती हैं, ऐसा सरोज खान जी का कहना है जो हमारे देश की सबसे बेस्ट कोरियोग्राफर है, उनका ये कहना है कि मुझे माधुरी दीक्षित को कोरियोग्राफ करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज मुझे हर बार नए स्टेप्स सोचने पड़ते हैं, बिकॉज इनको जो है अपने पुराने स्टेप्स याद रहते हैं। आपको हर बार नए स्टेप्स क्यों चाहिए होते हैं मैम? हमें तो आपके पुराने भी बड़े अच्छे लगते रहते हैं। अच्छा सोचो, आपके शो पे जी कितनी सारी लड़कियां आती है ना, जी हाउ मेनी पर्सनालिटीज कम हियर, जी तो हर बार आपको नए तरीके से फ्लर्ट करने की क्या जरूरत है? ये अफवाह है, मैं तो आपके अलावा मैं जिंदगी में कभी किसी को ऐसा प्यार भरने से देखा नहीं। अगर मैं झूठ बोलूं तो ये गिटार वाले को डायरिया हो जाए। ये तो गया मतलब आज। मैं सच बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि लोग ही सिर्फ आपका शो है। कपिल जी, ओके लेट्स चेंज द टॉपिक। फूट पहाड़ के नीचे आ गया आज। माधुरी मैम का ये कहना कि इतने साल फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के बाद भी आज भी जब ये कैमरा फेस करती है तो पेट में गुड़गुड़ होती है, तो शादी से पहले होती होगी, अब तो डॉक्टर नेने से दवाई लेके जाते हैं। मुझे टेंशन इस बात की है कि जब माधुरी जी को देख के डॉक्टर नीना के पेट में गुड़गुड़ होती होगी, उनको दवाई कौन देता होगा? सर पॉइंट है सोचने वाला। पॉइंट 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 टू बी नोटेड। नोट किया जाए सर। वैसे जो है डॉक्टर नीना, मैं बहुत बार उनसे मिला हूँ, बहुत ही शांत स्वभाव के हैं और बड़े ही स्वीट नेचर के हैं, तो आपके एक्सप्रेशन इतने कमाल के हैं, मैं सोचता हूँ कि अगर आप लड़ती होंगी तो कैसे लड़ती होंगी? अगर आपको एक्सप्रेशन देने, डायलॉग मैं बोलता हूँ आपकी जगह, ओके, तो आपने डॉक्टर साहब को ये कहना है कि डॉक्टर साहब गीला तौलिया बेड पे क्यों रखा? इसे निचोड़िए और धूप में डालिए। ये मैं आपको कहूं? हाँ।
सुपर्ब। कहने का मतलब ये, आपको कोई भी बात बोल दो आप तो उसका डांस बना देती मैम, कितना अच्छा लग रहा था ये। अगर हमारे हमारे देश की सब औरतें ऐसे अपने पतियों से झगड़ा करने लग जाएं, हाँ। तो कब झगड़ा ही ना हो कभी, तो देखने वाले को लगे डांस कर रहे हैं अभी भी, हाँ। हमारे तो ऐसे बोलने लगती है गीला तोड़ इधर रख, मरो जाके तो डाल उसको, तो लड़ाइयां होती हैं। ये अच्छा है। माधुरी मैम का ये कहना है कि मैं जब भी आईना देखती हूँ तो मैं खूबसूरती नहीं देखती हूँ, मैं खामियां ढूंढती हूँ। जो चीज है नहीं वो क्यों ढूंढती हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है। हर एक में कुछ ना कुछ खामियां होती है, इम्परफेक्शंस मेक यू परफेक्ट। चलिए मैं आईना हूँ, मान लो आप, तो आप देखिए मुझे और ढूंढिए कमियां क्या है। आईना हूँ मैं आईना हूँ। आप आईना है? हाँ। अच्छा। आईना हिल रहा है, किली थोड़ी गीली है। ओके, भी हिलना पड़ेगा। काश मेरी आंखें अगर थोड़ी सी और बड़ी और, बड़ी होती तो। और थोड़ी कितनी मैडम? ऑलरेडी 5-6 लोग डूब के मर सकते हैं। नहीं नहीं ऐसी कोई बात, आईना सच बोलता है। मेबी नाक थोड़ी और थोड़ी तेज शार्प होती। अरे इतनी खूबसूरत तो है, मुझे तो लगता नहीं कभी ये बदबू वाली चीज सूंघती होगी। अरे मैडम मुझे तो लगता है अभी गोबर भी सूंघे तो ये पिपरमेंट में कन्वर्ट करके सुंघा जाएगा। नहीं और मेबी अगर ये होंठ जो है वो थोड़े और। अरे इतने प्यारे तो हैं, अब बिट्टू शर्मा की बीवी को होंठ देखो आप। बात कर रहे हो, अभी तक नाराज हो अपने बीवी से? लास्ट में तुम्हें सिखा के गई थी कैसे रोमांटिक होना है, राइट? हाँ। रोमांटिक मैम हम कहां से हैं? अरे क्या बात कर रहे हो, बुला अपनी बीवी को। दिल नहीं कर रहा वैसे। मंजू ओफो, प्यार से बुलाओ। प्यार से बुलाओ? प्यार से मंजू। प्यार से सुनेगी नहीं। और प्यार से बुलाना, और थोड़ा प्यार। कहां मर गई? क्या है? मैंने खर्चे 30 रुपए दिए थे ना, फिर क्यों तुम मुझे बुला रहे हो फिर से? हेलो हेलो माधुरी जी, हाउ आर यू? कैसे हो? आई एम वेरी गुड। आप अकेले आ गई? नेने जीजू नहीं लाए साथ? कौन? नेने जीजू? माधुरी तेरी बहन कब से हो गई है? माधुरी देखिए, माधुरी मोहिनी जैसी, तेरी बहन कोहनी जैसी। मंजू सोच के बोला कर तू, कभी मेरी बेइज्जती करा देती है। नहीं मैं इसकी बहन कोहनी जैसी है, कोहनी भी वो वाली जिसमें खुश्की नहीं पड़ जाती, ऐसे करो तो सफेद लकीरें पड़ जाती है। 6 की 6 बहनों को लाइन में खड़ा कर लो, ऐसा लगा काले खट्टे की दुकान पे बोतलें लाइन में लगी हुई है। एक इसकी बहन सिंगाड़े जैसी, और उसकी आवाज सुनेंगे ना, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच में तपा हुआ हूँ, उसकी आवाज सुनेंगे ना इसकी बहन की जूसर ग्राइंडर जैसी आवाज, जीजू। और जूसर भी वो वाला जो सारा संतरा खुद चूस जाता है, 2 बूंद जूस निकालता है ऐसे करके। आप ये देखो माधुरी मैम, अपनी सब बहनों में ये बेस्ट है, आगे आप समझ लो, इसलिए होता नहीं रोमांस हमारा। तो शर्मा जी आप कभी भी मुझे मेरी फैमिली से अलग करके देखेंगे एवर? आपकी फैमिली भी तो यहाँ से अलग हुए ना, आपको बताऊं माधुरी मैम, पिताजी माता जी और साथ में पूरी फौज हमारे घर पे डेरा डाला हुआ उन्होंने, और फैमिली भी ऐसी हरकते करती है, मेरे को बताते हुए शर्म आती है, एक ही दातुन दोनों तरफ से करते हैं। हसन से इसका भाई एक तरफ से करता है, एक दातुन लेते हैं इस तरफ से इसका भाई करता है बड़ा भाई, दूसरी तरफ से छोटा भाई, फिर पिताजी आते हैं बीच में से तोड़ते हैं, एक खुद ले लेते हैं, माँ को दे देते हैं। बहुत हो गया, बहुत कहा हुआ, आगे तो मैंने बताया नहीं, दातुन करने के बाद ना उसके आगे रुई लगा के कान भी साफ करते हैं। हद कहा हुई है, अभी तो मैंने बताया नहीं, कान साफ करने के बाद हद तो तब हुई, रुई निकाल के दोबारा दातुन कर रहे हैं। और जब दातुन करते करते दातुन ऐसे फैल जाती ना ऐसे करके, फिर चौड़ा हो गया तो फिर उससे डाई कर रहा है।